गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विभिन्न ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास फाइव के फाइव चैप्टर पढ़ा दी थी, अब उसका अभ्यास कराने जा रही हूँ। ठीक है, अभ्यास के लिए रेडी हो जाइए। आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं ना, इसको ध्यान से पढ़िएगा, फेयर बनाते रहिएगा। जिस दिन स्कूल खुलेगा, मैं भली भांति जिस तरह पढ़ाई हूँ उस तरह क्या सुनने की कोशिश करूंगी और सुनूंगी। कोशिश ही नहीं, आपको सुनाने के लिए आप बनिए सुनाने लायक। और शब्दार्थ तो पर डे सुनाना है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। और हिंदी और संस्कृत ट्रांसलेट कैसे करना है, कैसे बताना है, कैसे क्रियाकलाप एक्टिविटी कैसे करना है, मौखिक क्वेश्चन कैसे बोलना है, ओरल जो हुआ और रिटर्न क्वेश्चन कैसे बोलना है, ये सारी बातें को आप वीडियो में देख देख करके सीखिएगा और याद करते रहिएगा। ठीक है, इसमें आपको नया शब्द मिला है ऐसा ऐसा ऐसा। इसमें ऐसा माने यह होता है और इसमें पुलिंग का रूप चला है और स्त्रीलिंग का, दोनों का आपको याद करना पड़ेगा। जिस तरह हम सहतव ते तमतव तान ते न ताभि हम तय कराए थे ना, उसी तरह इसको याद करिएगा, ऐसा ऐसा ऐसा। और स्त्रीलिंग में ऐसा ऐसे ऐसा, इसमें जैसे लड़की के लिए, महिला के लिए, अब यह लड़की है यह महिला है, इसमें इसको ज़रूरत है ऐसा की, इसलिए ऐसा का रूप जरूरी से जरूरी याद करिएगा। जिस दिन स्कूल खुलेगी तो मैं सबसे पहले आपका यही काम रहेगा मेरा कि आप सबों को क्या सुने, ऐसा का रूप सुनेंगे। ठीक है, फाइव क्लास के बच्चे जरूर से जरूर सभी के कॉपी में ऐसा का रूप होना चाहिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों में, तीनों लिंगों में मैं इसका रूप देखूंगी। और आप याद भी करिएगा और लिखिएगा भी। अब अभ्यास शुरू करते हैं। मौखिक क्वेश्चन अभ्यास में, मौखिक में उच्चारण हिंदी अनुवादम च कुरुता, उच्चारण कीजिए और हिंदी अनुवाद कीजिए। ध्यान दीजिए, पहला के क में स पठती, इसको अभ्यास के लिए दिया हुआ है कि उच्चारण कीजिए और हिंदी अनुवाद कीजिए। तो स पठती वा पढ़ता है, ऐसा हर्ष अस्ती यह हर्ष है, सह वृद्धा अस्ती वा बूढ़ा है, ऐसा कृषक अस्ती यह किसान है। ख ये मैं लाइन बाय लाइन नीचे से बोल दे हूँ, अब इधर देख लीजिए। सा पढ़ती वह पढ़ती है, स्त्रीलिंग के लिए ऐसा शिक्षिका अस्ति यह शिक्षिका है, सा ललना अस्ति वह ललना है, ऐसा सुधा अस्ति यह सुधा है, स्त्रीलिंग के लिए। अब क्वेश्चन नंबर टू आ जाइए। पाठस्य हिंदी अनुवादम कुरुता शब्दार्था च कंठस्थम कुरुता, पाठ का हिंदी अनुवाद कीजिए और अर्थ शब्द अर्थ याद कीजिए। अब इसको हिंदी तो आपको पहले ही बोल दिए हैं एडवांस में कि आपको याद करना है। अब नेक्स्ट पेज लिखित, लिखित क्वेश्चन में आ जाइए। लिखित में पाठम पठित्वा उचितम उत्तरम चिनुत, पाठ को पढ़कर उचित उत्तर चुनिए। इसमें का में है हर्षा किम करोति, तो आपको जवाब देना है जो पीछे पढ़े हैं ना उसी से। तो हर्ष क्या कर रहा था, तो यहाँ पे दो को दिया है, पठती और धावती। तो इसमें पीछे पढ़े हैं कि हर्षा किम करोति, तो क्या दिया था, हर्षा धावती, तो इसमें धावती है। ठीक है, पीछे से देख करके मिलान करना है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। हर्षा किम करोती, तो हर्षा धावती। प्रिया किम करोती, प्रिया मधुरम गायती। कृष्का किम करोती, कृष्का करसती, करसती माने जोतना होता है, खेत जोतता है। सूर्जा किम करोती, सूर्जा उदयती माने सूर्य उगता है। क्वेश्चन नंबर टू, चित्र दृष्ट्वा उचित विकल्पेन वाक्यानि पूरयत, चित्र को देख करके उचित विकल्प द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। इसमें है चित्र, घोड़ा कैसा लग रहा है आपको, बैठा है कि चल रहा है कि दौड़ रहा है,
इसको देख करके अनुमान लगाना है, इसे सेंस कॉमन सेंस जिसे कहते हैं, और आप संस्कृत में इसे देखिए और जवाब दीजिए। अश्व धावती, बालिका पीवती, अजा चरती, और यहाँ पे गजह चलती, सह बालक पठती, सा शिक्षिका पाठ्यती। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पलटिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है चित्रे न सह वाक्यानि मेलयेत, चित्र के साथ जो वाक्य है उसको मिलान करना है। तो हम क्या बताए हैं आपको मिलान करने का नियम, उसके सामने 1-2 लिखेंगे, है ना। चित्र में लकीर नहीं पारेंगे, उस तरह नहीं ठीक लगता है, ये तो शुरू से ही हम आपको इस तरह पढ़ा रहे हैं। देखिए क के हो जाएगा दूसरा, स बालका पठती, देखिए तो दूसरा में बालक पढ़ रहा है ना, तो क के दूसरा, ख के चौथा, ग के पहला, और घ के पाँचवा, आंग के तीसरा। ठीक है, व्याकरण बोध, व्याकरण बोध में ध्यान दीजिए, स्त्रीलिंगे परिवर्तयत, स्त्रीलिंग में बदलना है। स बालिका पढ़ती है पुल्लिंग है, तो इसका लिखाएगा सा बालिका पढ़ती, एक वचन बालिका हुआ, विसर्ग नहीं देंगे, विसर्ग देने से क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, इसलिए सा बालिका पढ़ती। ख स अजा चरती, सा अजा चरती। ग स छात्रा गच्छती, सा छात्रा गच्छती। यहाँ पे सिर्फ लिंग ही बदलना है ना, वचन नहीं बदलना है, इसलिए स के जगह सा हो जाएगा, विसर्ग नहीं रहेगा, और छात्रा के यहाँ पे छात्रा हो जाएगा, विसर्ग नहीं रहेगा, तो सा छात्रा गच्छती। घ ऐसा अध्यापिका पाठ्यती, यहाँ पे हो जाएगा ऐसा अध्यापिका पाठ्यती। अंग ऐसा कृषका कर्षति, तो कृषका माने किसान होता है, तो इसका स्त्रीलिंग बना देंगे बालिका की तरह। ठीक है, तो ऐसा कृषिका कर्षति, अब किसान के औरत को क्या कहेंगे, है ना, तो उसको कृषिका ही कहेंगे बालिका की तरह। क्वेश्चन नंबर 2 में है उचित सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य पूरे कीजिए। अब सर्वनाम दिया हुआ है, अब इसमें आपको जिस तरह ऊपर पढ़े हैं उस तरह जो सुटेबल है उसे लिखना है। पहला के सह बालक क्रीडति, क्योंकि बालक जो है पुल्लिंग है। दूसरा सा महिला भ्रमती, क्योंकि महिला है स्त्रीलिंग, तो सा हो जाएगा। तीसरा सह अभिषेका बदती, अभिषेक क्या है, पुल्लिंग है। और चौथा हो गया सा अजा चरती, अजा बकरी है स्त्रीलिंग। ख ऐसा ऐसा से वाक्य को पूरा करना है, तो ऐसा वृक्ष हस्ति, यह पेड़ है। दूसरा ऐसा बालिका नृत्यती, ऐसा मैंने बालिका लड़की हो गई, तो ऐसा हो गया, ऐसा मैंने यह लड़की नाचती है। तीसरा ऐसा प्रिया गायती, यहाँ पे प्रिया स्त्रीलिंग है इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा प्रिया गायती, यह प्रिया गाती है। ऐसा कृषका गच्छति, यह किसान जाता है। नेक्स्ट पेज पलटिए। नेक्स्ट पेज में आपको क्रियाकलाप एक्टिविटी, ये तो आपको करना है लेकिन आप शायद नहीं कर पाइएगा, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। चित्रों को देख करके वाक्य बनाना है। चित्र कैसा लग रहा है आपको, एक मोर का चित्र है जिसे संस्कृत में मयूरह बोलते हैं, तो इसका भी रूप हम पहले याद करा चुके हैं, मयूरह मयूरह मयूरा, क्योंकि पुल्लिंग का रूप बालक शब्द पर ही चलेगा, जिस तरह बालका बालका उस तरह मयूरह मयूर। तो देखिए मयूरह नृत्यती, कुकुरा भुकती मैंने भौंक रहा है, सिंहा गर्जती, और बालका पठती। स्त्रीलिंग एक वचन के भेद स्पष्ट करते हुए चार्ट बनाना, आपको चार्ट बनाइएगा सादा पेज पर और खुद बनाइएगा कि स्त्रीलिंग कौन है और पुल्लिंग कौन है, 5 स्त्रीलिंग 5 पुल्लिंग बनाना। अब जो है इसमें पुल्लिंग, जिस तरह आपको चार्ट पेपर देते थे छुट्टी में,
तो आप कैसे बनाइएगा पहले सुन लीजिए इंट्रोडक्शन। इसमें है कि हम सादा पेज ले लेना है, लाइन वाला नहीं लेना है, और उसमें पुलिंग के 5 चित्र बनाना है। जैसे शेर हो गया, मोर हो गया, चाहे लड़का को चित्र बनाइए, चाहे कुत्ता को बनाइए, तो 5 पुलिंग बनाइए और 5 पुलिंग ट्रांसलेट करिए। जैसे लड़का खेलता है तो क्या हो जाएगा, बालका क्रीडति। अब वह लड़का खेलता है तो क्या हो जाएगा, सह बालका क्रीडति। तो लड़का के चित्र बनाइएगा दौड़ते हुए, शेर का चित्र बनाइएगा गरजते हुए, और मोर का चित्र बनाइएगा नाचते हुए, कुत्ता का चित्र बनाइएगा भौंकते हुए, और लड़का के चित्र बनाइएगा क्या, पढ़ते हुए। 5 हो गया, ओके। अब स्त्रीलिंग में आप बनाइए, स्त्रीलिंग में 5 चित्र बनाइए। जैसे इसमें बनाइए लड़कियां क्या कर रही हैं, खेल रही हैं, तो सा बालिका क्रीडति, वह लड़की क्या कर रही है, खेल रही है। अब स्त्रीलिंग बनाइए इधर से पीछे से कि महिला चलती, माने कि औरत जा रही है। अब लड़की को बारे में बना दीजिए कि लड़की बालिका क्या होता है, बालिका एक वचन हुआ, तो लड़की के चित्र बनाइएगा और किताब के चित्र बना दीजिएगा, तो लिख दीजिएगा कि बालिका पढ़ती। अध्यापिका, अध्यापिका के चित्र बनाइएगा, बोर्ड के बना लीजिएगा और लिख दीजिएगा कि सा शिक्षिका पाठ्यती। बकरी के चित्र बनाइएगा, ये भी स्त्रीलिंग ही है, और घास का चित्र बना दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि आजा चरती। 5 गो चित्र स्त्रीलिंग बनाना है और 5 गो चित्र पुलिंग बनाना है। स्कूल खुलेगी तो मैं चेक करूँगी, उस पर मार्किंग भी किया जाएगा, ठीक है, ओके, फिर मिलेंगे।